मैंने तुम्हें इस घर में पाँव रखने के लिए मना किया था ना। अरे छाले छाप क्या कर रहे हो, खुद मेरे घर में पाँव रखा हुआ है, फिर मीना को क्यों मना कर रहे हो? शट अप कम ऑन मीना। अरे नहीं मीना तुम मत डाला, देखो मीना को तुम लेकर नहीं जा सकते। मैं तो तुमको इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थाली खुदाई एक तरफ और जोलू के भाई एक तरफ। भैया नो, छोड़ो, नहीं जाओ मीना तुम इसके साथ। नहीं मीना, आई सेड कम ऑन मीना। नहीं भैया, तू जबरदस्ती लेके जा रहा है। नहीं भैया नहीं, शट अप एंड कम होम। अरे कोई रोको इसको, छोड़ो मुझे। शट अप भैया। दत्तू आप रोकते क्यों नहीं इसको? जाने दे इसे, मुरारी काका संभालो इसे। देख लिया दुनिया की नजरों में तुम्हारी कितनी इज्जत है। बड़ा मीना मीना रट लगाया रखा था, क्या हुआ? उसका भाई आया और भरी महफिल से घसीट कर ले गया उसे और तुम कुछ नहीं कर सके। तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अरे किसी ने क्या, तुम्हारे दद्दू तक ने तुम्हारी मदद नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। नोबडी लव्स यू। सबके लिए तुम सिर्फ एक तकलीफ देने वाली बेकार सी चीज हो, 24 घंटे आंखों में चुभने वाला कांटा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और खुददारी होती तो मैं अपने गले को पंखे से बांध कर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और खुददारी होती तो मैं अपने गले को पंखे से बांध कर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। क्या हो रहा है? है ये क्या हो रहा है? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। क्या बक रहा है तू? सच बोल रहा हूं, नोबली लव मी, नोबली। मीना भी आकर चली गई, उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, आपने रोकने की कोशिश नहीं की, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तू मेरा पोता होकर इस तरह से बुजदिलों जैसी बातें कर रहा? नहीं मेरे बच्चे, आत्महत्या पाप है, गुनाह है। तू तो भगवान के नियम को तोड़ना चाहता है? नहीं तो? तू भगवान से मुकाबला करना चाहता है? नहीं तो? तू भगवान से बड़ा है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू। मैं 2 घंटे से मरने की ट्राई कर रहा हूँ, अपने गले में लत्ती बांध के पंखे थे, मैं 2 घंटे से इधर टक्कर काट रहा हूँ, मैं तोतला हूँ, मैं मल क्यों नहीं लाऊँ? अतः मैं मरा नहीं, मैं मर लेता तो क्या होता? भगवान नाराज हो जाते ना। मेरे बच्चे, कान खोल कर सुन ले, उसके प्यार का भूत अपने सर से उतार कर फेंक दे, वरना तेरा गला दबोच कर तुझे मार डालूंगा। बहुत जल्दी तेरी शादी हम वहीं करेंगे जहाँ हम चाहते हैं, समझी? धारी आप आज में बहुत जल्दी में। हाँ, हमें मालूम है कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन के बीच शादी का चक्कर कैसे चला लिया? अरे यार, कल मैं मम्मी डैडी के साथ डिनर कर रही थी, शायद वही लड़के के दादाजी ने मुझे देख लिया, पसंद कर लिया। मतलब रिश्ता 100% पक्का हो गया? नहीं नहीं, 1% बाकी है, आज जब वो मुझे देखेगा और मैं उससे। ओह नो, टायर तो पंक्चर है, अब मैं टाइम पे कैसे पहुँचूंगी? ओह वाह, बड़ा काम। अरे गर्ल्स, अपना काम तो बन गया। You are an excellent businessman, Mr. You really want me to believe it? Thank you very much. आपका ब्रेन तो कमाल का है। पिछली बार जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। एक मिनट। ये मेरी गाड़ी को लेके जा रही है। हेलो, हे, हेलो। हेलो। Excuse me. आप प्लीज इस गाड़ी से उतर जाइए। अरे क्यों उतरूं? तुमसे पूछ कर चढ़ी थी क्या? देखिए आपको चढ़ना है तो आप ट्रेन में चढ़िए, प्लेन में चढ़ जाइए, मिसाइल पे चढ़ जाइए, मगर इस गाड़ी से उतर जाइए। क्यों क्यों उतरूं? मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है? तुम क्या पुलिस ऑफिसर हो, CIA एजेंट हो, FBI एजेंट हो क्या तुम? आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप प्लीज गाड़ी से उतर। मुझे आपकी एक भी नहीं सुननी, आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे। आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी, और वैसे भी तुम्हारा मेरा कनेक्शन क्या है? कनेक्शन हाय, आपने जो एक्शन लिया है उससे मुझे टेंशन हो गया है। What? आपको सेक्शन लग जाएगा, मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। What are you saying? I'm saying that I like you. What? I mean I like your innocence. What do you mean? I mean the way you are trying to portray your innocence. Are you trying to flirt with me? No, no ways. Excuse me, gentlemen, hello? Please. Hello, hello, hello.
this man is trying to flirt with me here. No, she's lying. Don't be rude. Hey, hello. No. Mom, Dad, I'm on time. देखो, मैं वक्त पर पहुंच गई। आओ बेटी आओ, वो लोग भी आते ही होंगे। ये क्या हाल बना रखा है तूने? बाल सारे बिखरे हुए? वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई। फिर वही गड़बड़ ना? पर देखो माँ, मैं तो टाइम पर हूँ, यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। अरे भाई, हम यहाँ हैं। आइए आइए ओब्राय साहब, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए, माय वाइफ अंजू। नमस्कार। नमस्कार राज के दादाजी। प्रणाम दादाजी। हमारी बेटी मीना। क्या संस्कार है भाई, दिल खुश हो गया। ये आपके लिए, हमने आपका शो देखा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। हमने अपने पोते के लिए आपको पसंद किया, आज सारी बातें फिक्स हो जाएं। मगर आपका पोता है कहाँ? हेलो एवरीबॉडी, हम आ गए। ओह नो। अरे भाई तुम कौन हो? मैं राज। हमारा राज ऐसा फटा हुआ उजड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया है, टाइम टाइम की बात है। वो कैसे? क्या बताऊं, मैं घर से तो वन पीस निकला था, मगर रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली जिसने मुझे पीस पीस के कट पीस कर दिया। तुम तो कोई इंटरनेशनल फकीर लगते हो मुझे। आई नो, लग तो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हिंदुस्तान के बहुत ही खाते पीते परिवार का बच्चा हूँ। दत्तू। दत्तू, तुम मेरे पोते राज, राज ओबराय हो? यकीन आए तो मैं अपनी दूसरी दुकान खोल के दिखाता हूँ दांत। अरे अरे बेटे, तुम क्या सूट पहन का कुश्ती खेलने गए थे क्या? अरे क्या बताऊँ दत्तू, रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली, उसने मेरी वो हालत कर दी। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनिए, वहाँ पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, यहाँ पर मैं आपकी आधी नहीं सुनूंगा। नहीं वो अच्छी, मुझे पता नहीं था कि वो मैं अपना पता भूल गया और आपको पता नहीं था, वो लोग मेरा पता करने वाले थे, पता है? चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और जान लिया, मजा आ गया। मजा आ गया? अरे जान जाने वाली थी तू जान। ओहो कोई बात नहीं, वो तो एक बात बताओ, तुम इससे शादी करोगे? वो देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, जो कुछ भी आपको मिलने के चक्कर में हुआ, वो क्या है ना कि वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए वो आपको सोचना चाहिए था ना, आप तो लेट हो रही थी, मेरे तो नाम के आगे लेट लग जाता ना। ओए खबरदार, अगर मरने का नाम लिया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। आई एम सॉरी। अरे भाई मजा आ गया, दादा और पोते का प्यार देख कर मरने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। Mi enamorado, tu eres mi amor, mi vida, mi... क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी, खलीश थी, जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है, जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। What do you mean? I mean, I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी? थी? अब थी तो थी तो थी तो थी, उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ, एक दिन मैं चोको बार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया, तो वहाँ चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से होगी। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की, और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको ताड़ से मेरे सीने से निकल गई। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहू में, मैं कोको की बाहू में, फिर कोको मेरी बाहू में, फिर मैं कोको की बाहू में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहू में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों? बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ तो जब आँख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था, उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए।
और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की होगी। हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस स्कीइंग कर रही थी, मैं भी आइस स्कीइंग कर रहा था। आइस स्कीइंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको, मैंने बचाया, मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला। लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ा है और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। वो मत पूछो। अरे तुम बार बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना, बैठो ना, प्लीज प्लीज बैठो। यार हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। अस्पताल वहां से बहुत दूर था, मैं उसको कार में ले जा रहा था, ले ही जा रहा था कि अचानक वो मर गई होगी ना। मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बिचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मीना, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ओ यू गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना, मीना कहां जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? और उसका एड्रेस तो सुन लो, कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको कोको।